हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था जिसमें मेन एक्टिविटी और ये चीजें थी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे ये हमने ऐप के लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, बट इसकी टेस्टिंग करनी है, इसको चला के देखना है, तो कहाँ आप देखोगे? तो इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला कि आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट करेंगे तो आपकी डिवाइस यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, और यहाँ से रन करेंगे तो ये ऐप डायरेक्टली आपके फोन में इंस्टॉल होगा और वहीं पे चलेगा। बट आप कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसा करिए, कोई इशू नहीं है। बट बार बार टेस्टिंग करनी है या छोटे छोटे चीजों के लिए आपको एक वर्चुअल डिवाइस भी चाहिए, क्योंकि आप विंडोज में हैं तो विंडोज में एंड्रॉइड का ऐप तो इंस्टॉल नहीं होगा और एंड्रॉइड चलेगा नहीं विंडोज प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे या तो आप अपना रियल एंड्रॉइड फोन लैपटॉप में यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर लें, उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने ऐप को अपने फोन में चला सकते हैं। बट वो आपको यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं दिखेगा, आपके फोन में ही डायरेक्ट आपका ऐप रन करेगा। बट अगर आप अपने इसी सिस्टम पे एंड्रॉइड ऐप को रन करके देखना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल डिवाइस बनानी पड़ेगी। उसको बनाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ नो डिवाइस दे रहा है, तो अगर आप अपना फोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका फोन आ जाएगा। और अगर आप वर्चुअल चाहते हैं कि नहीं यहीं पे हमको कुछ मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एवीडी मैनेजर है, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आप अपना वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको क्रिएट मत कीजिएगा। और अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में रैम वगैरह कम है, प्रोसेसर कम है, तब तो इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे आपका पूरा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास स्लो प्रोसेसर है, रैम कम है, तो आप अपने डायरेक्ट फोन को कनेक्ट कर लें और उसी पे टेस्टिंग करें, वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं वर्चुअली यहीं पे टेस्ट करना, तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन होगा जेनी मोशन। जेनी मोशन भी एक वर्चुअल डिवाइस देता है और वो कम हैवी है, थोड़ा सा लाइटेड है थ्रू एवीडी मैनेजर। इस वाली वर्चुअल डिवाइस से वो थोड़ा सा लाइटेड रहेगा, इजी रहेगा, कम रैम वगैरह आपका यूज करेगा। तो आइए हम देखते हैं आज की हम जेनी मोशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम क्रोम पे आ जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं जेनी मोशन। जेनी मोशन आप सर्च करेंगे तो मोर प्रोबेबली आपको ये फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लाउड वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन। तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन चाहिए, जेनी मोशन डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक कर दें। अब आपको ये कह रहा है कि देखिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, विंडोज 8, 8.1 या 10 होना चाहिए, यानी कि ये 7 में नहीं चलेगा, 8 से नीचे के वर्जन में नहीं चलेगा। देन यहाँ पे है विदाउट वर्चुअल बॉक्स या विथ वर्चुअल बॉक्स। तो आप विथ वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो जेनी मोशन होता है वो वर्चुअल मशीन पे ही रन करता है, तो आपको ये वर्चुअल बॉक्स भी चाहिए होगा बाद में। इसलिए आप ये सेकंड वाले को क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज 147 MB की ये फाइल है, इसको डाउनलोड कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कर लीजिएगा और वेट करते हैं इसके डाउनलोड हो जाने का। देन इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हम जेनी मोशन को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं, है ना? तो ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे मैटर करता है कितना टाइम लगता है।
तो ये जल्दी ही डाउनलोड हो जाता है, फिर हम इसको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे और एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम टेस्टिंग वगैरह का काम करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। ये अलग से ऐप है लेकिन इसको हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ही कनेक्ट कर लेंगे तो मजा आएगा काम करने में। कुछ यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा आइकन्स वगैरह मिल सकते हैं या यहाँ कहीं पे भी, वो हम अभी करके देखेंगे कि कहाँ पे हमें आता है। ठीक है, ये हमारा जेनिमोशन डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं फोल्डर में। फोल्डर में ये कंप्लीट होने दीजिए, अब सो इन फोल्डर। यहाँ से हम जेनिमोशन वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे विथ वर्चुअल बॉक्स, ये यस किया हमने। सिंपल से स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करते जाइए। ये फाइल्स आपको याद रखना है क्योंकि बाद में इन्हीं इसी का यूज करके हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इस जेनिमोशन को कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। जेनिमोशन को इंस्टॉल करने के लिए आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, अदरवाइज हटा सकते हैं। तो मैं लीव कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इसी तरीके से, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फाइल्स एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके लिए एक वर्चुअल बॉक्स और वर्चुअल डिवाइस जनरेट करेगा। तो वेट कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉलिंग प्रिपेयर्ड हो रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है वेलकम टू रक्कल वीएम वर्चुअल बॉक्स सेटअप। ये बॉक्स आपके लिए जनरेट कर रहा है, तो नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। क्रिएट स्टार्ट मेन्यू आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, इनकी आपको जरूरत है। क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, हाँ है, रहने दो, आप हटाना चाहो तो हटा दीजिए, बट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे कंप्लीट करिए। वार्निंग, नेटवर्क इंटरफेस इंटॉलरेशन ना विल रीसेट योर इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट विथ इंस्टॉल नाउ, यस इंस्टॉल नाउ। देन हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए फिर से इंस्टॉल होने लगा। वो कह रहा था कि आप इंटरनेट कनेक्शन वगैरह रखे रहिएगा, हो सकता है जरूरत पड़े। ये कह रहा है वीड यू लाइक टू इंस्टॉल दिस डिवाइस सॉफ्टवेयर, यस इंस्टॉल करिए। जो भी है आप इंस्टॉल करते जाइए, नो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब आप फिनिश पे क्लिक करें तो मेक श्योर ये चेक रहे, इससे क्या होगा ये लॉन्च कर देगा। फिनिश करते हैं, अब इसको फिनिश क्लिक कर देते हैं। न्यू वर्जन वर्चुअल बॉक्स हैज बीन इंस्टॉल्ड, ओके। देखिए जेनिमोशन अब आपके लिए ओपन हो रहा है। बूटिंग थोड़ा सा टाइम लेगा, आप यस कर दीजिए, ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें सेटअप कर लेगा। आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन देते रहना है, यस यस करके। यस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेनिमोशन को यूज करने के लिए आपको इस पे अकाउंट बनाना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इस पे क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास विदाउट अकाउंट के तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आई एग्री। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, मैं ट्राइको टेक्नोलॉजी डालूंगा, पासवर्ड में अपना सेट कर देता हूँ। आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। यूजर टाइप आप कैसे हैं, गेमिंग है, लोड टेस्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यस। कंपनी टाइप आप किस टाइप की कंपनी है, तो टेस्टिंग या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, टेलीकॉम रिटेलर या अदर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। कंपनी नेम, मैं अपनी कंपनी का नाम दे दे रहा हूँ, आप भी अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, देन इनको एक्सेप्ट कर देते हैं। आपके पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट ट्राइको टेक्नोलॉजी से किया है, तो हमको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी में जाके। तो वेट, हम आते हैं।
और इस अकाउंट को पहले तो जीमेल में जाके ये कोई पुराना अकाउंट ओपन है इसको क्लोज करते हैं, साइन आउट। यहाँ से अपनी ईमेल को हम लॉगिन कर लेंगे, ये वाली ईमेल है। फ्रेंड्स आप ट्राइकोर और एरोमास लॉजिक बोर्ड कभी कभी देखेंगे तो ये सारे हमारी कंपनी है। एक्चुअली में हमने सबसे पहले लॉजिक बोर्ड बनाया था, वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला या कुछ इशू से चेंज हुआ, फिर हमने ट्राइकोर टेक्नोलॉजी किया। बट फाइनल जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने लगे तो ट्राइकोर भी हमें नहीं मिला, तो हमें एरोमास टेक्नोलॉजी फाइनली रजिस्टर्ड हुई। और अब तो कभी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि अब रजिस्टर्ड। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, मेल में एक मेल आया होगा जिसपे जाके हमें एक्टिवेट करना होगा अपना लिंक। ये प्रोसीजर देखिए जेनी मोशन की तरफ से आया है, क्लिक हियर एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट एक्टिवेटेड, एंजॉय। अब हम इसको बंद कर सकते हैं इस वाले बॉक्स को। आयो यहाँ पे हमारा जेनी मोशन ओपन है, यहाँ पे एंटर करते हैं अपनी ईमेल आईडी trycoretechnology@gmail.com। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ एरोमास टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मेल वगैरह आते हैं ना एडवर्टाइजिंग के, तो हम लोग कंपनी की ईमेल हर जगह नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ अपना बिजनेस वाले ईमेल आए तो ही ज़्यादा अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट अदर ईमेल पे जिसको हम कम ओपन करते हैं। ठीक है नेक्स्ट। ओके आई हैव आई प्रोफेशनल यूज के लिए हमें करना है, लाइसेंस नहीं चाहिए। ये दो टाइप से होते हैं, बिजनेस यूज और पर्सनल यूज, तो हमने पर्सनल यूज दिया है। आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। ठीक है अब आप यहाँ पे आ गए, जेनी मोशन में आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। देखिए यहाँ से आप न्यू वर्चुअल अपनी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, ये जेनी मोशन का बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें आप अपने वर्चुअल डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं कि कोई हमारे पास है, गूगल नेक्सॉन एंड्रॉइड साइज कस्टम फोन कस्टम टेबल गूगल नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 को सेलेक्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। इसको जैसा है रहने देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मेरे लिए सही है गैलेक्सी। इसे इंस्टॉल कर देते हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 213 MB का है तो ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों सर तैयार नहीं पिलाए हैं? बस और का इसको लेके जाओ पिला दोगे, अभी मुझे काम करना है सुबह तक करूंगा, थोड़ा सा मेहनत कर दे यार मजा आ जाएगा, पैसा आएगा। चाय पी के आओ एक बार बताऊंगा, नहीं जा रही था रात भर नहीं सोओगे, दिन में सोने नहीं दूंगा, घड़िया पटेगी कुछ दिन में सही हो जाओगे। अब मैं रात में वीडियो बनाऊंगा, दिन में काम करूंगा, वीडियो वही बनाता हूँ, फिर मेरा ऐप वगैरह का क्लाइंट हुआ तो बनाना है, सब रिकॉर्ड करके बनाओ, क्या मतलब दोनों काम हो जाए। तो मेरे पेड़ काट के हटाना है, थोड़ा सा उजाला हो जाए चलेंगे, तुम जाओ है। हाँ। अरे वो अच्छा लगेगा, वहाँ झंडा फहरेगा, पत्ती पत्ती थोड़ा हटा देंगे, साइड कर दें, ऐसे अच्छी बात नहीं है ना। हाँ
थोड़ा सुबह लगना पड़ेगा। वो सब का भरोसा छोड़ो, 9 बजे आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखिए थोड़ा सा टाइम लगा और ये डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपका स्टेटस अभी ऑफ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे ये लॉन्च हो जाएगा। यस, यहाँ से आप इसको परमिशन दे दें। यस, तो वेट, अभी इसका स्टेटस चेंज होना चाहिए। बूटिंग हो रहा है और ये आपके लिए एक वर्चुअल डिवाइस बिल्कुल एंड्रॉइड वाली जनरेट करके देगा, जो कि होगा गैलेक्सी नोट 2 पे। इसका जो इन्वायरमेंट होगा पूरा गैलेक्सी नोट 2 की तरह काम करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका जिस भी टाइप का फोन है या जिस भी फोन पे आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा इसकी बूटिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम टाइम लेता है। यहाँ से जब हमारा जेनी मोशन में ये सेटअप फाइनल हो जाएगा ना, देन हमको थोड़ा सा काम एंड्रॉयड स्टूडियो में करना है, क्योंकि अभी ये तो जेनी मोशन बाहर है, आपको इसका एक्सेस एंड्रॉयड स्टूडियो पे चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक्सेस लेने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक जब तक वो सेटअप होता है। तो वेट कर लेते हैं, अभी ये बूटिंग हो रहा है, अभी लॉन्च हो जाएगा। या तो वेट करते हैं, नहीं तो हम लोग तब तक एंड्रॉइड स्टूडियो में सेटिंग करते हैं, ये लॉन्च होगा तब हम देख लेंगे। कुछ नहीं है, ये जस्ट एक डिवाइस आपको दे देगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको आना है फाइल में, फाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। अब सेटिंग में भी जब आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लगइन्स। आपको प्लगइन में आना है, बहुत सारी आपके पास प्लगइन्स होते हैं जो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप प्लगइन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जेनी मोशन। जेनी मोशन आपकी ये 2 MB की फाइल है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके या डायरेक्ट यहाँ से या वहां से कहीं से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग थर्ड पार्टी प्लगइन एक्सेप्ट। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। गुड, ये हमारा अप्लाई हो गया है और आई थिंक हमको एंड्रॉइड स्टूडियो को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से एक बार सर्च करते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस है जेनी मोशन का। जेनी मोशन इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे कुछ चेंज नो कैंसिलिंग नोटिस जेनी मोशन। ठीक है, जेनी मोशन हमारा परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। और देखेंगे अगर यहाँ पे हमें देखिए कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक बार हमें अपनी इस एंड्रॉयड स्टूडियो को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने वर्चुअल बॉक्स इनेबल फॉल्स ओके ओके। स्टार्ट वर्चुअल बॉक्स प्लीज रेफर दिस आर्टिकल। इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई? स्टार्ट करते हैं फिर से, हो जाओ, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेट फ्रेंड, देखते हैं क्या दिक्कत है और इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। हैंडल वर्चुअल फीचर्स इज डिसेबल्ड, योर सीपीयू इज इनकंपेटेबल विथ वर्चुअल स्टेटस
एरर, मोर डिटेल, रिबूट विंडोज, विंडोज डिफेंडर, वर्चुअल विश्व, सेटिंग में जाएं, नेटवर्क चेंज, इनेबल कर दें। देखते हैं, हम भी सेटिंग में आते हैं, नेटवर्क में आते हैं और चेंज अडॉप्टर ऑप्शन में जाना था, वर्चुअल बॉक्स, बहुत सारे बन गए, सब इनेबल कर दें क्या? इनेबल है, ये भी इनेबल है, देखते हैं किसी से भी चल रहा है। ओके, ये जो था ना डिसेबल थे इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा था आई थिंक। अभी हम इसको ओके करते हैं और फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल डिवाइस, स्टार्टिंग वर्चुअल डिवाइस, गुड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें लग रहा है कि अब चल जाएगा, और उस समय हमने ये मैसेज देखा नहीं था। वो यहाँ पे डिवाइस देखिए फ्रेंड्स, अब आपका ये बिल्कुल एक वर्चुअल डिवाइस आपके विंडोज में रन कर रहा है, ये मैसेज आएगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आप हैं, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं तो हमें दिखाना है नहीं। ये एक एंड्रॉइड फोन आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी हम देख लेते हैं। तब तक आइए, हम लोग अपना यहाँ पे काम कर रहे थे, ये स्टार्ट हो गया है। इसको हम एक बार फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, आपका खुद ही यहाँ पे देखिए आ गया है गैलेक्सी नोट 2, है ना? ये बिल्कुल आपका बन के आ गया, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। आप देखिए, मेक योर सेल्फ एट होम, और आप एक बिल्कुल फोन की तरह एक वर्चुअल डिवाइस यूज कर पा रहे हैं। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, वो प्रॉपरली ओपन होगा। देखिए, ये क्लॉक की सेटिंग है, ये बैक बटन है, आप बैक जा सकते हैं, आप तो ईमेल वगैरह जो कुछ भी है आप ओके कर दीजिए। आप देखिए, सब कुछ आप एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्चुअल डिवाइस बन चुकी है, और आप इस डिवाइस को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर हमें इस ऐप को अपने डिवाइस पे रन कराना होगा, तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू कर देंगे, डोंट आस्क अगेन, कंटिन्यू। क्या होगा, ये ऐप अपने आप उस वर्चुअल डिवाइस पे रन करेगा और डिस्प्ले होगा हमें एज अ ऐप। हमारे ऐप का नाम है ओबेन, और आप अगर इस पे आएंगे तो इस पे एक ओबेन ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे गेटिंग बिल्ड रनिंग हो रहा है, इसको बिल्ड होने देते हैं, और आप देखिएगा आपके इस वर्चुअल डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल होगा, और वो बिल्कुल एक मोबाइल फोन में जैसे ऐप आप चलाते हैं वो चलेगा भी। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो डोंट वरी, वेट करेंगे हम इसको। अब अगर आप ये यहाँ से वर्चुअल डिवाइस बनाए होते तो वो काफी टाइम लगता। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमने बनाया है ना, इसका मिनिमम एपीआई लेवल 19 है, और हमने जो किया है वो एचडीके 21 यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अब अगर इसे को अभी ये लॉन्च होने देते हैं, देखिए लॉन्च होगा, ग्रेडल बिल्ड फिनिश, देखिए प्रॉब्लम वही आ गई कि आपका जो ऐप है, वो फोन है, वो उसका एचडीके वर्जन 19 है, और आपने जो ऐप बनाया है वो 21 बनाया है। तो मैंने बोला था ना कि अब वो ऐसे फोन में नहीं चलेगा, तो अगर आपको इसे सही करना है तो एचडीके को कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं 21 से 19, तो ये इस फोन में भी कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ से सेंस नाउ कर दें, इसको बिल्ड होने देंगे और ये रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको हटा देते हैं,
और अब देखिए ये सैमसंग में बिल्कुल कोई वार्निंग नहीं है, और अगर इस समय हम इसको रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन करेगा। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे आते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं, तो अब बिल्ड होने देते हैं। यहाँ पे वार्निंग नहीं है तो आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल फोन की तरह काम कर रहा है। और इसको हटा दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल हो रहा है अब आपके फोन में, इंस्टॉलिंग लॉन्च होगी। और देखिए ये ओबेंक ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ से मिनिमाइज करें, ऐप में आए तो कहीं ना कहीं ये ऐप भी आपको मिलेगा, ये मिला आपका ऐप ओबेंक। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं क्या जेनी मोशन। अभी फ्रेंड्स हमने जेनी मोशन जो वर्चुअल डिवाइस में रन कर रहा था उसे क्लोज कर दिया, तो आपने लास्ट टाइम देखा था जो डिवाइस यहाँ पे थी वो अब डिसअपीयर हो गई, और आपको कहीं और ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप उसे लॉन्च कर सकें। तो ये एक तो ये ऑप्शन है कि आपने ये जो जेनी मोशन इंस्टॉल किया, यहाँ पे आए और यहाँ से फिर रन करें जैसे लास्ट टाइम यहाँ से किया था, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ये सब तो हम हटा देंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए होगा ना यहाँ पे। बस हम चाहेंगे कि यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हो तो हमारा जेनी मोशन यहाँ पे दिखाई दे, वहां से हम इसको रन करा लें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप एक छोटी सी सेटिंग कर लें फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज छूट गई थी लास्ट टाइम पे। तो अगर आपका इस तरह से टूल बार है तो यहाँ कहीं आपको जेनी मोशन का आइकन नहीं दिख रहा है, जबकि जेनी मोशन एक्टिवेट हमने कर दिया है। तो अगर आप व्यू में आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे, और अगर आप टूल बार में आते हैं, नहीं अपीयरेंस टूल बार पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये टूल बार आपका चेंज हो गया, और अब टूल बार कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे ये आपका जेनी मोशन का आइकन आ रहा है, जेनी मोशन डिवाइस मैनेजर। अगर आप इस पे फर्स्ट टाइम क्लिक करें तो ये आपसे जेनी मोशन प्लगइन का पाथ मांग रहा है। तो यहाँ पे आप ब्राउज कर लें, सी ड्राइव में आ जाएं, जहाँ पे आपका जेनी मोशन इंस्टॉल है, प्रोग्राम फाइल में आए, यहाँ पे सर्च कर लें जेनी मोशन, जेनी मोशन, जेनी मोशन मोबाइल, जेनी मोशन मोबाइल के अंदर फोल्डर है जेनी मोशन, इसको ओके कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब अगर हम दोबारा इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपसे यहीं से आप डायरेक्टली इस डिवाइस को, जितनी भी आपने इसमें डिवाइस बना के रखी हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहीं से, और आपका ये जेनी मोशन स्टार्ट होगा जैसे ही यहाँ पे आपकी वर्चुअल डिवाइस भी आ जाएगी। देखते हैं इस चीज को, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये लॉन्च होगा फिर आपका ये डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा। इसको एक बार लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बी पेशेंस, इसको वन टाइम करना है और आपका ये फोन ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये लॉन्च होगा आपकी डिवाइस आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। वेट करते हैं या खुद ही आ जाएगा। ओके, इसको रिफ्रेश करने की तो जरूरत नहीं है, इसको हम क्लोज कर दें। आप देखिए यहाँ पे हमारी डिवाइस अब अवेलेबल है, प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हैं, इस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा, है ना। इसको आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट चलेगा। तो आज फ्रेंड्स हम लोगों ने जेनी मोशन को समझा है। अब वर्चुअल बॉक्स अगर आप सब बंद कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो सेटिंग वगैरह है नॉर्मली। अब आपको जेनी मोशन यहाँ पे आपकी डिवाइस आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाएगी, आपको सिंपली यहाँ से रन करना है, बस दैट्स इट, और कोई जरूरत आपको है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से कंटिन्यू करेंगे कोडिंग वगैरह के सेक्शन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।